हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथ्स मैट्रिक्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स सैटिस्फाइंग ए ए डैश इक्वल्स टू 9i, फाइंड एक्स। यहां पे एक मैट्रिक्स गिवन है ए। इस मैट्रिक्स को ए ए डैश सैटिस्फाई कर रहा है। अगर ए का मीन है ये गिवन मैट्रिक्स एंड ए डैश दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू 9, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम गिवन मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं। गिवन मैट्रिक्स से ए इक्वल्स टू 1, 2, 2, 2, 1x, -2, 2 and -1, ये गिवन मैट्रिक्स है। अब इस गिवन मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करें, ए डैश फाइंड आउट करते हैं, तो आपको पता है गिवन मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो ट्रांसपोज में जो रो होते हैं रो कॉलम में चेंज कन्वर्ट हो जाते हैं एंड कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं रो है 1, 2, 2, तो इस रो को हम कॉलम में राइट कर लेंगे 1, 2, 2, और ये जो कॉलम है इसे हम रो साइड में राइट कर लेंगे 1, 1 तो ऑलरेडी है 2 and -2। सेम हम इस रो के लिए भी करेंगे। 1x है यहाँ पे 1 राइट कर लेते हैं, ये एक्स हो जाएगा एंड 2 -1 है यहाँ पे हो जाएगा 2 and -1, तो सेम प्लेस पे होगा, ये हो गया। अब हम सेम यहाँ पे हम इस इक्वेशन में हम a a डैश की वैल्यू पुट कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन है a a डैश इक्वल्स टू 9i, a की वैल्यू 1, 2, 2, 2, 1x, -2, 2 and -1, ये हमने ए की वैल्यू राइट कर ली। सेम हम ए डैश की वैल्यू भी राइट कर लेते हैं 1, 2, -2, 2, 1, 2, 2x, -1 इक्वल्स टू होगा 9। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप देख रहे हैं ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका ऑर्डर 3 है, तो हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी ऑर्डर 3 में राइट करेंगे, जो हो जाएगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये हो गया। अब हमें सिंपली इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, ए 1, 1 होता है, दैट इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड इसे सम करके राइट कर लेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, प्लस 4, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, प्लस 4 हो जाएगा। अगेन अब ये फर्स्ट एलिमेंट तो हो गया, अब सेकेंड एलिमेंट क्या होता है, ए 1, 2 होता है, दैट इज फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। और इसके लिए हम ये फर्स्ट रो एंड ये सेकेंड कॉलम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इस एलिमेंट में राइट करेंगे। देन 1 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस 2, 2 का मल्टीप्लाई x में प्लस 2x, सेम हम यहाँ पे राइट करते हैं। थर्ड एलिमेंट होता है a 1, 3, दैट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने फर्स्ट रो राइट किया एंड थर्ड कॉलम, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ राइट करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई -2 में, दैट इज -2, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4, 2 मल्टीप्लाई में -1, प्लस आप देख रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे -2 आएगा, तो यहाँ पे हमने -2 राइट कर दिया। सेम हम सेकेंड कॉलम के लिए राइट करते हैं, सेकेंड रो के लिए। यहाँ पे सेकेंड रो में क्या होता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए ये है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। देन यहाँ पे जो एलिमेंट राइट किया जाएगा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके राइट किया जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर लेते हैं, 2, 1 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 2, प्लस x का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 2x हो जाएगा। सेम हम यहाँ पे राइट करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में, ये सेकेंड रो है और ये रहा सेकेंड कॉलम। मल्टीप्लाई करते हैं 2 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस 1, प्लस x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर।
सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू का मल्टीप्लाई माइनस टू में करते हैं, माइनस फोर प्लस वन मल्टीप्लाई बाई टू, टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन दैट इज माइनस एक्स। अब नेक्स्ट हम थर्ड रो में राइट करेंगे, ये एलिमेंट होगा ए थ्री वन दैट इज थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे हमने थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करना है, माइनस टू का मल्टीप्लाई वन में दैट इज माइनस टू, टू का मल्टीप्लाई टू में प्लस फोर, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू दैट इज माइनस टू। अब नेक्स्ट हम थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करेंगे, माइनस टू मल्टीप्लाई बाई टू दैट इज माइनस फोर, टू मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस टू, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स दैट इज माइनस एक्स। सेम हम यहाँ पे थर्ड रो का मल्टीप्लाई इस थर्ड कॉलम में करेंगे, माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू दैट इज फोर, टू मल्टीप्लाई बाई टू प्लस फोर, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन प्लस वन। आपने देखा हमने इन दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करके राइट कर लिया है। अब नाइन का मल्टीप्लाई इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी कर लेते हैं, नाइन का मल्टीप्लाई इन सभी एलिमेंट्स में होगा, नाइन वन जा नाइन, नाइन को जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, अगेन जीरो, नाइन मल्टीप्लाई बाई जीरो इक्वल्स टू जीरो होगा, नाइन मल्टीप्लाई बाई वन दैट इज नाइन, नाइन मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो, नाइन मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो होगा, यहाँ भी जीरो एंड नाइन का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा नाइन। हमने इस मल्टीप्लाई को भी कर लिया। अब हम इन सबको ऐड करके राइट कर लेते हैं। अब इन सभी नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, वन प्लस फोर प्लस फोर ये हो जाएगा नाइन, नाइन हमने राइट कर लिया। सेम टू प्लस टू फोर प्लस टू एक्स राइट करेंगे, फोर प्लस टू एक्स। नेक्स्ट यहाँ पे होगा ये देखिए माइनस टू, माइनस टू ऐड करेंगे माइनस फोर होगा, माइनस फोर फोर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये नंबर हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट टू प्लस टू फोर प्लस टू एक्स हो जाएगा, यहाँ राइट कर लेते हैं फोर प्लस टू एक्स। सेम यहाँ फाइव प्लस एक्स स्क्वायर होगा, फाइव प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा माइनस टू माइनस एक्स, माइनस टू माइनस एक्स। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस टू ऐड करेंगे माइनस फोर, माइनस फोर प्लस फोर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा जीरो। माइनस फोर प्लस टू सम करेंगे माइनस टू हो जाएगा माइनस एक्स। सेम फोर प्लस फोर एट प्लस वन नाइन, ये हो जाएगा नाइन इक्वल्स टू राइट कर लेते हैं नाइन जीरो 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 नाइन जीरो 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 नाइन, ये हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है जब भी दो मैट्रिक्स को इक्वल शो किया जाता है या फिर दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ए वन वन एलिमेंट इस ए वन वन एलिमेंट नाइन की इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये जीरो यहाँ पे इक्वल है, नाइन नाइन के इक्वल है। दैट इज हमें यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम ये देखते हैं कि ऐसा इसमें कौन सा एलिमेंट है जिसमें एक्स टर्म ऐड है। तो आप देख रहे हैं सारे टर्म में ही एक्स है, नाइन जीरो को छोड़ के, तो हम किसी भी एक टर्म को राइट कर लेते हैं, फोर प्लस टू एक्स हो जाएगा जो इस टर्म जीरो के इक्वल होगा, बिकॉज कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल, इसे हम राइट कर सकते हैं फोर प्लस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब इसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, टू एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू होगा माइनस फोर अपॉन टू, माइनस फोर में टू से डिवाइड कर लेते हैं ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस टू। इनमें से आप किसी भी एलिमेंट से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट से अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो एक्स की वैल्यू सेम होगी चाहे आप जो भी एलिमेंट यूज कर रहे हो। जैसे कि हम इस फाइव प्लस एक्स स्क्वायर को कर लेते हैं, फाइव प्लस एक्स स्क्वायर नाइन के इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होगा नाइन माइनस फाइव, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन माइनस फाइव इक्वल्स टू फोर हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू होगा अंडर रूट फोर, एक्स की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस टू होती है, अब यहाँ पे प्लस टू भी होगा एंड माइनस टू भी होगा, बट सभी एलिमेंट से एक्स की वैल्यू माइनस टू आ रही है इसलिए यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू माइनस टू ही कंसिडर करेंगे।
यहाँ पे आप x की वैल्यू प्लस माइनस टू दोनों ही राइट कर सकते हैं। कहने का मीन ये है कि आप किसी भी एलिमेंट का यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो x की वैल्यू सेम आएगी और वो करेक्ट आंसर ही होगा। ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट से ही x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट को यूज करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, x की वैल्यू आएगी x = -2, जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।